हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत सारी टैली ईआरपी 9 के ऊपर वीडियोस रिलीज करने के बावजूद भी मुझे ये कमेंट देखने को मिल जाता है कि सर मैं मुझे दिक्कत हो रही है, डेट नहीं चेंज हो रहा है या डेट चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल ईयर प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये क्या है प्रॉब्लम, एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टैली ईआरपी 9 मैंने ओपन किया है, यहाँ पर एक नई कंपनी हम बनाएंगे। अब बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। तो सबसे पहले तो कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम कृष्णा एंटरप्राइजेस कर लेते हैं। तो ये लिख लिया कृष्णा एंटरप्राइजेस, तो ये लिखा एंटरप्राइजेस, तो ये हो गया कृष्णा एंटरप्राइजेस। अब ये कृष्णा एंटरप्राइजेस तो हमने कर लिया, एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पे लिखेंगे न्यू कॉलोनी देवरिया, यहाँ एड्रेस डाल दिया हमने। यहां पर इंडिया हमारी कंट्री है, आपकी जो भी कंट्री हो वो ले सकते हैं। और फिर यहां पर बात करते हैं स्टेट की, तो ये स्टेट भी हम ले लेते हैं, ठीक है। ये स्टेट ले लिया, पिन कोड डाल सकते हैं, फिलहाल स्किप करता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, और यहां पर कभी कभी यहां पे डेट कुछ और पड़ जाती है, लाइक यहां पे मैं कर देता हूं 2/7/2022, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा प्रॉब्लम क्या क्रिएट आएगी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब ये तो कंपनी हमारी बन गई, कंपनी हमने बना ली, कंपनी साइड में आ गई है, कोई बाउचर एंट्री पास नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी हम सीधा सीधा आ जाते हैं बाउचर में और बाउचर एंट्री पास करते हैं। सपोज कीजिए परचेज में ही कर रहे हो या सेल्स में ही कर रहे हो, ठीक है। हमारे दिमाग में ये बात नहीं रहती है कि डेट हमने क्या अभी करंट में रखा है, हम सीधा सीधा आते हैं एंट्री पास करने की तरफ, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे परचेज में एंट्री पास करनी है तो परचेज वाउचर में आ गए, हम डेट नहीं चेंज करते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर डेट आपका 1/4/2022 है, ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी। जब भी आप 1/4/2022 में जाना चाहेंगे तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पर 1/4/2022 नहीं रख सकते क्योंकि काम आपका कब से शुरू हुआ है। यहाँ पर अगर मैं एडिट करके दिखाता हूं आपको, देखिए यहां पर, यहां से Alt F3 प्रेस कर लीजिए, यहां पर आ जाता है अल्टर कंपनी वाला विंडो, तो ये अल्टर करिए कंपनी को। अब देखिए यहां पर आ जाइए, ये यहां पर फाइनेंशियल ईयर तो जब भी स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल से होगा, ईयर आपके ऊपर डिपेंड है, किस ईयर में आप काम कर रहे हैं वो आप जान लीजिए, आपको पता है, ठीक है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि काम आपका कब से शुरू हुआ है, तो वो डेट यहां पर पड़ी हुई है। तो आप जब भी 1/4/2022 करना चाहेंगे तो बुक्स तो 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आपका काम तो 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो है लेकिन काम तो आपका 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी आप एंट्री पास करेंगे, कोई भी एंट्री पास कीजिए, तो यहां पर आप डेट को बैक में नहीं ले जा सकते, पीछे नहीं ले जा सकते एंट्री पास करने के लिए। यहां पर ऐसा नहीं है 1/4/2022 कर देंगे या 1/2/2022 कर देंगे, ऐसा नहीं है, फिर यही दिक्कत आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको इस तरह की दिक्कत आ रही है उनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है फाइनेंशियल ईयर की, हमने फाइनेंशियल ईयर क्या रखा था वो मैं फिर आपको दिखा देता हूं, यहां से अल्टर करके कंपनी को। फाइनेंशियल ईयर है हमारा यहां पर देखिए 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक का, यही हमारा फाइनेंशियल ईयर है। कभी कभी फाइनेंशियल ईयर बैक हो जाता है, उनके सिस्टम में पहले काम कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं फाइनेंशियल ईयर पीछे रहते हैं या आगे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पीछे चले गए तो क्या होगा, तो अभी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, देखिए यहां पर रहेगा 1/4/2021, ठीक है, और यहां पर रहेगा 31/3/2022, ध्यान दीजिएगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर कुछ इस तरह का रहेगा और आप एंट्री पास करना चाहेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में जो कि आपने सेलेक्ट ही नहीं किया है, अभी चेंज ही नहीं किया फाइनेंशियल ईयर, तो स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पर डेट चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 1/4/2022 है ना, लेकिन अगर मैं इसी 1/4/2022 में एंट्री पास करना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हम आगे की डेट में एंट्री कर सकते हैं 2022, इसमें एंट्री कर सकते हैं क्या, तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि अब तो हमने सही कर दिया, अब तो सर ने बताया था कि ऐसा कर दीजिए ऐसे कर दीजिए तो हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है। ये लिख रहा है डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड, करंट पीरियड से अबव नहीं, ऊपर नहीं जा सकता डेट। तो यहां पर आपको दिमाग ये लगाना है कि अबव कह रहा है, अबव माने ऊपर। तो आप सीधा सीधा यहीं पर रहते हुए Alt F2 प्रेस कीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 हो गया है। तो आप यहाँ पे 1/4/2022 कर दीजिए सीधा सीधा, ये 1/4/2022 हो गया और 31/3/2023 हो जाएगा, यहाँ पर बात ही खत्म हो जाएगी, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। अब जब एंट्री पास कीजिएगा तो अब आप एंट्री पास कर पाइएगा, यहाँ पे देखिए F2 करिए, यहाँ पे कर देता हूं 2/8/2022,
ठीक है, 2/8/2022 की अपडेट चेंज हो गया, देखिए 2 अगस्त हो गया वहां पे, ठीक है। अब कोई भी डेट चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगी डेट, लेकिन जब वो कंडीशन थी तो डेट नहीं चेंज हो रही थी, तो यही दिक्कत है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।